नमस्कार आप सभी को। मेरा आज के इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है, आज हम इस वीडियो में करेंगे अपने शोल्डर्स को एंड अपनी बैक को हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब हम कोई भी योगा अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे शोल्डर एंड बैक के अंदर काफ़ी बार खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लंबे टाइम तक रेस्ट पर जाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे योगासन हैं जो आपकी शोल्डर को भी अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे, साथ में आपकी कमर को भी अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। तो चलिए इन आसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे मेट के ऊपर लेट जाएंगे। हमने दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे, बॉडी को अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे। डीप हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस बाहर छोड़नी है। नेक्स्ट हम करेंगे अपने पैर को हम साइड में अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अगेन वापस साइड में लेके जाएंगे। बॉडी को एकदम ढीला हमें छोड़ना है। सांस अंदर सांस बाहर। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम अपने मैट के ऊपर हम बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को हम सीधा रखेंगे। अपने दोनों हाथों को हम हल्का सा डाउन लेके जाएंगे। ज़्यादा हमें डाउन लेके नहीं जाना है। बॉडी को अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अपनी कमर को हम हल्का सा बैंड करते हुए नीचे की तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे। बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए हम चाइल्ड पोज में आएंगे। वज्रासन पोजीशन में बैठेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट अपने दोनों हाथों को हम सामने की तरफ लेके जाएंगे एंड अपनी चिन पे हम मैट पे लेटेंगे। बॉडी को हम एकदम रिलैक्स करना है। नेक्स्ट हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। अपने पैर को हम पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड अपने हाथों को चेस्ट के पास, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। अगेन बॉडी को रिलैक्स करेंगे। वापस हम ऊपर उठाएंगे बॉडी को भुजंगासन। बॉडी को रिलैक्स करते हुए वापस नीचे की तरफ, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम वापस वज्रासन पोजीशन में आएंगे एंड अपने हाथों को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अपने हिप्स को हम अच्छे से ओपन रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए बॉडी को एकदम से रिलैक्स करेंगे हम। ये हमारे बैक और शोल्डर को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है ये आसन। अगेन हम बॉडी को 5 सेकेंड होल्ड रखने के बाद बॉडी को रिलैक्स करते हुए वज्रासन पोजीशन में आएंगे। नेक्स्ट अपने दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड अपने चेस्ट को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे।
ये हमारे हाथों को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अगेन इसको हम दोबारा वापस करेंगे। इसको आप कंटिन्यू 5 to 20 सेकेंड आप होल्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बॉडी को रिलैक्स करते हुए आगे की तरफ आएंगे। आसन रहेगा अभी हमारा, बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे एंड अपनी कमर को हम अंदर की तरफ लेते हुए पेट को बाहर की तरफ ओपन करते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ, अगेन वापस पीछे की तरफ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लास्ट आसन करेंगे अपने, हम हैंड को साइड में लेके जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को साइड में एंड अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ, बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे, अपने शोल्डर को हम अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम साइड चेंज करेंगे, अपने राइट हैंड को नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ, बॉडी को अच्छे से रिलैक्स। यस, तो ये कुछ आसन है जिसको आप अपने डेली बेसिस पे कर सकते हैं और आप अपने शोल्डर और अपनी बैक को आप अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। जो ये अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी है तो उसके अंदर भी आपको ये आसन बहुत हेल्प करेंगे। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच।